जय माता दी, जय माँ कामाख्या। खिलाई पिलाई हो जाती है तो मनुष्य को क्या क्या सिम्टम होते हैं? यदि आपके शरीर में ऐसे सिम्टम हैं, ऐसे संकेत हैं, ऐसे लक्षण हैं, तो आप समझ जाना कि आपको खिलाई पिलाई हो गई है। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देवियं सर कामार्थम सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी धाय ताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। जय माँ कामाख्या। हम आपको लक्षण बता रहे हैं, खिलाई पिलाई के लक्षण। आपको नहीं मालूम कि आपको खिलाई पिलाई हो गई हो। हो सकता है आप पढ़े लिखे हो, ये तंत्र मंत्र काले जादू को नहीं मानते हो, परंतु आपके घर में किसी न किसी को, जो मैं लक्षण बता रहा हूं, यदि ऐसे लक्षण हैं तो मान करके चलना कि खिलाई पिलाई हो गई है। दवाई से कुछ नहीं होता है, दवाई दारू से कुछ नहीं होगा। बॉडी में कितनी ही सीटी स्कैनिंग करा लेना, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अब लक्षण मैं बताने जा रहा हूं खिलाई पिलाई के, कि नाभि के आसपास नाभि के ऊपर यदि दर्द रहता हो तो समझ लेना खिलाई पिलाई हो गई है। यदि पेट में ठोसपन रहता हो, पेट कड़क रहता हो अधिकांश समय पे, कमर में दर्द रहता हो, पूजा करते हैं उस समय उबासी बहुत आती हो, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो समझ जाना खिलाई पिलाई हो गई है। पूजा करने में मन नहीं लगता है परंतु करने बैठ जाते हैं तो बहुत ज्यादा उलझन सुलझन होने लगती है, तो समझ जाना खिलाई पिलाई हो गई है। कभी कभी आपको अमावस्या के आसपास या ग्रहण के आसपास कान में अचानक कोई आवाज सुनाई देने लगती हो और उसके बाद तबीयत बिगड़ जाती हो, तो समझ जाना कि खिलाई पिलाई आपको हो चुकी है। पेट में अधिकांश समय पे दर्द रहना, शौच साफ नहीं होना, पेट साफ नहीं होना, अमावस्या के पहले शरीर में तकलीफ बहुत ज्यादा होना, दर्द बहुत ज्यादा होना, हाथ पैर टूटना, यदि ये सिम्टम है तो मान के चलना कि खिलाई पिलाई हो गई है। आप कहोगे कि साहब हमें तो मालूम ही नहीं चलता कि अमावस्या कब है, पूर्णिमा कब है, तो आपको हिंदू सनातन धर्म की ओर लौटना पड़ेगा और पंचांग देखना पड़ेगा, कैलेंडर देखना होगा जिसके अंदर ये तिथि भी लिखी हुई होती है, उसमें आपको महसूस होगा। और प्रैक्टिकल करके देखिए, ये करके देखिए कि जब अमावस्या उसमें लिखी रहती तो क्या अमावस्या के दिन हाथ पैर तो नहीं टूटते हैं? उसके एक दो दिन पहले से ही आपके यहाँ पे कुछ न कुछ अस्वस्थता होने लगे तो समझ जाओ खिलाई पिलाई हो गई है। यदि भूख नहीं लगती हो और जो खाना खा भी लेते हैं तो जो डकारें आती हो, ऐसा आता कि खाना सड़ गया हो, डकारें बहुत आती हो, भोजन नहीं पचता हो, और कभी कभी शरीर में लहर जैसा चलता है कि अंदर शरीर में कोई ना कोई चीज चल रही है, कभी हवा ऊपर की ओर आती कभी नीचे की ओर आती, ऐसा भी लगने लगे तो समझ जाओ कि खिलाई पिलाई हो चुकी है। यदि शरीर सूखते जाता हो, अच्छे से अच्छा खाना पीना खाते हैं परंतु शरीर नहीं बनता हो, पूजा पाठ में मन नहीं लगता हो, सिर में दर्द रहता हो और विशेष तौर से एक तरफ का सिर दर्द रहता है, तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा आपको लगी हुई है। खिलाई पिलाई जब हो जाती है तो अक्सर ये देखा गया है कि गंदे सपने आने लग जाते हैं। गंदे सपने का मतलब हो गया शमशान दिखने लग जाता है, और किसी किसी को ये शमशान वगैरह नहीं दिखता है तो उसे मरे हुए व्यक्ति दिखने लगते हैं।
जो कभी हमने देखे नहीं हैं, तो भी आप समझ जाना कि खिलाई पिलाई हो गई है। तो ये ऐसे सिम्टम हैं जो हमने आपको बताए हैं। यदि ऐसा होने लग जाए, गोली दवाई लेने के बावजूद भी यदि गोली दवाई लगना बंद हो जाए, तो समझ जाओ कि खिलाई पिलाई हो गई है। तो ऐसे मनुष्य जिसको खिलाई पिलाई अक्सर होती है, उसके पीछे का कारण यह है कि जिस व्यक्ति को ऐसी तकलीफ होती है, उसे मंगल दोष रहने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। मंगल दोष होता है, कालसर्प दोष होता है, पितृ दोष होता है, नाग दोष होता है, प्रेत दोष भी रहता है, और यह सब पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होता है। तो जो दोष हैं, उन दोषों की आपको पूजा करना चाहिए, प्रायश्चित पूजा करना चाहिए, पितृदोष की पूजा कराते रहना चाहिए, नाग दोष की पूजा कराते रहना चाहिए, सूर्य पूजा कराते रहना चाहिए, मंगल दोष की पूजा कराते रहना चाहिए, ग्रह शांति करते रहना चाहिए। और यदि फिर भी पूजा कराने के बावजूद भी यदि आप ठीक नहीं हो पाते हो, गोली दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप खिलाई पिलाई निकलवाने के लिए संपर्क किया जा सकता है। खिलाई पिलाई निकालने के लिए जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतना ज्यादा समय लगता है, क्योंकि कहीं कहीं पर खिलाई पिलाई 10 साल से तकलीफ हो रही है, कोई बोलता 5 साल से हो रही है, कोई बोलता 15 साल से हो रही है, कोई बोलता अभी 1-2 साल से ऐसा होने लगा है। तो जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतना समय ज्यादा लगता है, क्योंकि वह खिलाई पिलाई वाली जो अदृश्य शक्ति होती है, वह शक्ति शरीर के अंदर अपना घर बसा लेती है, और जब वो एक शक्ति घर बसा लेती है तो वो अपने अन्य अतृप्त आत्माओं को भी बुला लेती है। इसीलिए थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। यदि पुरानी बीमारी हो तो आपको समय निकाल करके संपर्क करके समय निकाल के इलाज कराना होगा। यह इलाज जड़ी बूटियों के माध्यम से भी होता है। जड़ी बूटियों को उबाल करके पानी पिलाया जाता है, जड़ी बूटियों के पानी से स्नान कराया जाता है, नींबू का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है, लौंग का प्रयोग किया जाता है, जलते हुए दीपक का प्रयोग किया जाता है, नारियल से भी खिलाई पिलाई निकाली जाती है। तो जितने भी तरीके होते हैं, इन सब में कुछ सिद्धि की आवश्यकता होती है, कुछ मंत्र की आवश्यकता होती है। और यदि आपने अपने जीवन में ये प्रायश्चित कर्म नहीं किया, तो प्रायश्चित कर्म भी कराया जाता है। जैसे नाग दोष की पूजा कराई जाएगी, पितृ दोष की पूजा कराई जाएगी, यदि आपका सूर्य ग्रहण योग है तो उस ग्रहण योग की पूजा भी कराई जाएगी, यदि मांगलिक दोष है तो मंगल दोष की पूजा भी कराई जाएगी, यदि शनि चंद्र की युक्ति है, विष योग है, तो उसकी भी पूजा कराई जाएगी। और जिसका शनि चंद्र की युक्ति विष योग होता है, उसको तो खिलाई पिलाई जिंदगी में होती ही होती है। तो ऐसे मनुष्य जिनको भी खिलाई पिलाई हो, जो मैंने संकेत बताए हैं, लक्षण बताए हैं, यदि ये लक्षण आपके साथ में हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। बाकी माँ भगवती से हम प्रार्थना करेंगे कि किसी को भी खिलाई पिलाई ना हो, और आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। और दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये स्तुति बोलते रहा करें ताकि आपको सही रास्ता मिलता रहे, और माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा की सेवा करते रहें, ताकि आपके जीवन में यदि कोई परेशानी आती है तो उसको हल करने वाला मनुष्य आपको ईश्वर जल्दी मिलवा दे, ताकि आप कष्ट कम से कम भुगते, कष्ट में कम से कम रहें, और आपका इलाज जल्दी से जल्दी हो जाए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।